तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ 12 मिनट रन टाइम वाली एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है ला सिगुआ पासिंग पेयर, और इसका मतलब है एक मिथिकल क्रिएचर जिसके पैर उल्टे होते हैं। यह शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी 2021 में, लेकिन रिसेंटली ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। और लास्टली मैंने इससे पहले एक और शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसमें मस्त हॉरर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो वीडियो की शुरुआत होती है एक वीरान जंगल को दिखाते हुए जहां हम कुछ एंटिटीज को खड़ा देखते हैं, और इधर हम मिलाग्रो और उसके बॉयफ्रेंड डेविस को देखते हैं जो कि कैंपिंग पर आए हुए थे। असल में मिलाग्रो को रिसेंटली ही पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसके पास उसके बर्थ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और हो सकता है कि उसके पेरेंट्स उसे इतना नहीं चाहते हों, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी। और तभी डेविड उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कैंपिंग पर लाया होगा जिससे मिलाग्रो को थोड़ा अच्छा फील हो। डेविस कुछ और लकड़ियाँ लेने जाता है आग जलाने के लिए, और इतने ही मिलाग्रो डेविस का फ़ोन चेक करती है जिसमें चेल्सी नामक लड़की डेविस से काफ़ी फ्रैंक होकर बात कर रही थी, और चैट पढ़कर उसे थोड़ा बुरा लगता है कि डेविस के पीछे काफ़ी लड़कियाँ पड़ी रहती हैं। डेविस वहाँ आता है तो मिलाग्रो का मुँह बना हुआ था, तो डेविस उसे बताता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, और चेल्सी उसकी बॉस है इसलिए उसे उसके साथ काम से रिलेटेड बातें करनी पड़ती है, आखिर सब चीज़ों के साथ जॉब भी ज़रूरी है। डेविस मिलाग्रो को जैसे तैसे मना लेता है। मिलाग्रो को लगता है कि जब उसके बर्थ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, और ऐसे तो उसके लिए उसके पेरेंट्स अनजान है और वो उनके लिए अनजान है। खैर ये सब बातें मिलाग्रो को बेमतलब की लगती हैं क्योंकि डेविस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों अच्छा समय बिता ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल से कुछ हलचल सुनाई देती है जिससे वो दोनों डरने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ लूसी नामक लड़की आती है जो उस जंगल में ट्रैकिंग कर रही थी और वो रास्ता भटक गई थी। लूसी को पार्किंग लॉट जाना था, और मिलाग्रो लूसी को ऑफर करती है कि वो दोनों उसे पार्किंग तक छोड़ देंगे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है और जंगल का रास्ता है। तभी डेविस मिलाग्रो को कहता है कि कोई नहीं तुम यहीं रहो, और वो लूसी को पार्किंग तक छोड़ आएगा क्योंकि ठंड भी बहुत है। ये बात मिलाग्रो को थोड़ी अजीब तो लगती है लेकिन वो नहीं जाती, और वो वहाँ बैठकर आग सेकती है। जब मिलाग्रो अकेली थी तब उसे जंगल से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मिलाग्रो वैसे ही डर रही थी कि तभी डेविड उसके पीछे से आकर उसे डराने की कोशिश करता है जिससे मिलाग्रो उस पर भड़क जाती है क्योंकि डेविस अकेले उस लड़की को पार्किंग तक छोड़ने गया, और उसके पीछे से डेविस ने उस लड़की का नंबर भी लिया होगा। डेविस मिलाग्रो को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो बस लूसी की मदद कर रहा था, और इस कारण से उन दोनों में बहस होने लगती है। डेविस मिलाग्रो को कहता है कि वो जलनखोर है, जिसमें मिलाग्रो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और मिलाग्रो बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है जैसे उसे सीजर्स आने वाले हों, और अपनी गर्दन वो झटकाने लगती है। डेविस ये देखकर डरने लगता है और मिलाग्रो अपने सारे कपड़े उतार देती है और डेविस को पकड़ लेती है, और हम देखते हैं कि मिलाग्रो किसी एंटिटी से पोजेस्ड हो चुकी है क्योंकि उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। इसी बीच मिलाग्रो को डेविस की मेमोरी से दिखता है कि उसने लूसी को पार्किंग में छोड़ने के बाद उसका नंबर लिया था, जिसका मतलब ये था कि डेविस मिलाग्रो के साथ बस टाइम पास कर रहा है और वो दूसरी लड़कियों में भी इंटरेस्टेड है। बस मिलाग्रो का आपा पार हो जाता है और वो इतने ज़ोर से स्क्रीम करती है कि पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंजती है, और उसकी आवाज़ लूसी भी सुनती है। स्क्रीम करते हुए मिलाग्रो के पैर उल्टे हो जाते हैं और वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल बन जाती है। डेविस मिलाग्रो की स्क्रीम को सुन नहीं पाता और उसके दिमाग की नस फट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। डेविस को मारकर मिलाग्रो उल्टे पाँव जंगल में काफ़ी तेज भागती है, और एक जगह रुककर वो अपने जैसी और चुड़ैलों को देखती है जिनके पैर भी उल्टे थे। शायद उनके साथ भी मिलाग्रो की तरह कुछ बुरा हुआ होगा। उनमें से एक चुड़ैल मिलाग्रो को कहती है कि घर में उसका स्वागत है, जिसका मतलब ये था कि मिलाग्रो कभी जन्मी ही नहीं थी क्योंकि वो चुड़ैल थी इसलिए उसका कोई बर्थ रिकॉर्ड नहीं था। अब मिलाग्रो को भी पता चल जाता है कि ये उसका असली परिवार है, और जो चुड़ैल उसका स्वागत करती है शायद वही मिलाग्रो की मॉम है क्योंकि वो मिलाग्रो को बहुत प्यार से देख रही थी, और मिलाग्रो को भी उन सबको देखकर बहुत खुशी होती है। और यह शॉर्ट फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।
इस फिल्म में इंडिया की फेमस उल्टे पैरों वाली चुड़ैल को दर्शाया है जो जंगलों में रहती है और काफ़ी तेज भागती है और लोग उस चुड़ैल से काफ़ी डरते हैं। और आपने इस चुड़ैल की काफ़ी सारी कहानियां सुनी होंगी। इवन बुलबुल फिल्म भी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल से इंस्पायर्ड है। यह चुड़ैल बेसिकली जंगलों में ही पाई जाती है और कोई दुखी लेडी अगर मर जाती है तो वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल बन जाती है और आदमियों पर अटैक करती है या उन्हें सीड्यूस करती है उनसे प्यार करने के लिए। ऐसा मैंने कुछ कहानियों में सुना है। वैसे इस चुड़ैल के और भी काफ़ी सारे फॉक फोर्स हैं जो दुनिया में जगह जगह फेमस हैं, इसलिए इसके डायरेक्टर ने उल्टे पैर वाले चुड़ैल पर यह शॉर्ट फिल्म बनाई और सच में उन्होंने इस चुड़ैल को काफ़ी अच्छे से दर्शाया है। बाकी आपने इस चुड़ैल के बारे में सुना है और क्या सुना है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।